गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल। माई सेल्फ मिसेस मीनाक्षी ढोले। टुडे वी विल सी अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, मोर अबाउट क्लॉथ्स। मोर अबाउट क्लॉथ्स मीन्स, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। आज इस चैप्टर में हमें कपड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा। द थ्री बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। हमारे ह्यूमन बींग्स की, यानी कि हमारी बेसिक नीड क्या है कि हमें खाने के लिए खाना होना चाहिए, रहने के लिए एक घर होना चाहिए। शेल्टर का मतलब होता है रहने के लिए घर होना चाहिए एंड पहनने के लिए क्लॉथ्स होने चाहिए। दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। बिना फूड खाए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। वेयर एज शेल्टर एंड क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम चेंजिंग वेदर कंडीशन एंड मेनी अदर थिंग्स। उसी तरह से हमें क्लॉथ्स और शेल्टर, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं बहुत सारे कंडीशंस से। फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशन से और इसके अलावा बहुत सारे कंडीशन से। फर्स्ट क्लॉथ्स अवर नीड। अभी सबसे पहले हम क्लॉथ्स के बारे में देखते हैं कि क्लॉथ्स हमारे लिए क्यों ज़रूरत है, हमें क्लॉथ्स की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन एंड द कल्चर। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। अभी यहाँ पे क्या बताया गया कि बहुत सारे लोग कंट्री के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, कंट्री में कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनने जाते हैं, वेदर के हिसाब से कपड़े पहनने जाते हैं। मतलब अलग अलग टाइप्स के लोग अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते हैं, या तो वेदर की कंडीशन देखकर कपड़े पहनते हैं और कल्चर की कंडीशन देखकर भी कपड़े पहनते हैं। जिसका कल्चर मतलब कास्ट, जिसकी अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, वो उस तरह से अपने कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े हमें किस तरह से प्रोटेक्ट रखते हैं, कोल्ड से, ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट मतलब गर्मी से प्रोटेक्ट करते हैं, रेन बारिश से, डस्ट मतलब ये जो होती है हमारी डस्ट, धूल एंड इंसेक्ट। ओके, वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। वी इंटर समर इन समर वी विंटर लाइट कॉटन क्लॉथ्स विच एब्सॉर्ब स्वेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन। वी वियर रेनकोट वेन वी गो आउट ऑफ द रेन। रेनकोट इज मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल। अभी हम वेदर के हिसाब से कैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे कि विंटर का सीजन है, नाउ दिस इज विंटर सीजन, मतलब ठंडी का सीजन है, तो हम उलन के कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वेटर, शॉल, दिस इज अ उलन क्लॉथ्स। ठीक है, आफ्टर समर में कौन से कपड़े पहनते हैं, लाइट कॉटन कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्या करता है, कैसे कॉटन क्यों ज़रूरत है धूप में, क्योंकि कॉटन का कपड़ा जो होता है वो स्वेट को एब्सॉर्ब कर लेता है। स्वेट मतलब पसीना, पसीने को एब्सॉर्ब कर लेता है और हमें गर्मी से बचाता है। ठीक है, उसके बाद रेनकोट जो है वो वाटर प्रूफ मटेरियल है, इसलिए वो हमें बारिश से बचाता है। तो इस तरह से ये कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं, देयर बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द रेन। अवर क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट बल्ट ऑल्सो। और उसी तरह से हमारे कपड़े हमें धूल मिट्टी से भी बचाते हैं और इंसेक्ट मतलब किसी कीड़े के काटने से भी बचाते हैं। वी नो दैट एयर अराउंड अस एंड एयर कंटेनर डस्ट। हमें पता है कि हमारे पूरे अराउंड में, हमारे आजू बाजू में एयर है, हवा है, और एयर में क्या होती है, डस्ट होती है। ठीक है, धूल होती है। This dust settle on our clothes. We cannot see it on the collar. We can see it on the collars and cuts of the shirt. और वो जो धूल बैठती है हमारे कपड़ों पर, कपड़े में प्रोटेक्ट करती है धूल मिट्टी से, बट वो धूल हमारे कपड़ों पर हमें ज़्यादातर कहाँ दिखाई देती है, कॉलर्स पर, ये जो कॉलर्स है यहाँ पर दिखाई देती है, और कट्स पर दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर हमें ज़्यादा ये धूल डस्ट दिखाई देती है। दस अवर क्लॉथ्स फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर बिटवीन डस्ट अवर बॉडी। सिमिलरली दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मॉस्किटो एंड इंसेक्ट बाइट ऑल्सो। सी इन दिस पिक्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ इज हियर। फर्स्ट इन पिक्चर विंटर क्लॉथ्स, स्वेटर एंड विंटर क्लॉथ्स वी गेट फ्रॉम द शिप। ओके, देन समर क्लॉथ्स, दिस इज अ कॉटन क्लॉथ्स, वी गेट फ्रॉम कॉटन। देन रेनी सीजन क्लॉथ्स, दिस इज अ वाटर प्रूफ मटेरियल, रेनकोट। इन एंशियंट टाइम, ऐसा एक वक्त था, पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज विद बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर।
मतलब एक जब आदि मानव का जो टाइम था, जिस वक्त ज़्यादा ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था लोगों का, तो उस वक्त वो क्या कैसे कपड़े पहनते थे, उनको कपड़े का कुछ समझ में नहीं आता था। तो वो लोग ल्यूज़, बिग ल्यूज़, मतलब जो बड़े बड़े पत्ते होते थे उसके कपड़े पहनते थे, या फिर एनिमल की स्किन फर निकाल के उसको पहनते थे। ठीक है, ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक फैब्रिक, और आज इतना डेवलप हो गया है कि वो बहुत, हमारा जो माइंड है डेवलप हो गया है, और उनका पता हो गया है कि फैब्रिक क्या होता है, और फाइबर से हमारे कपड़े बनते हैं, एंड स्ट्रिच देम इनटू अ वेरियस टाइप ऑफ ड्रेसेस। और आजकल हमें बहुत सारे कपड़े भी स्ट्रिच किए हुए अच्छे से मिल रहे हैं। स्टिच करना मतलब सिलाना, वेरियस टाइप के क्लॉथ्स मार्केट में मिल रहे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पेज, फाइबर एंड देयर टाइप्स। तो ओके, सो टुडे वी विल सी द टू टाइप्स ऑफ फाइबर। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर इज मेड ऑफ अ नेचुरल प्रोसेसेस, मीन जो नेचर से, जो ऑलरेडी हमें हमारे नेचर नेचर से मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल फाइबर। एंड सिंथेटिक फाइबर मीन्स दोज फाइबर आर अ मैन मेड फाइबर, जो फाइबर इंसान ने बनाया हुआ है उसको बोलेंगे मैन मेड फाइबर, सॉरी सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द नेम सजेस्ट, द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो फाइबर हमें नेचर से मिलता है, पर्यावरण से मिलता है, उसको बोलेंगे नेचुरल फाइबर। दिस फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, और ये जो फाइबर है वो हमें एनिमल्स और प्लांट्स से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर प्लांट फाइबर्स। ऑन द अदर हैंड, वूल एंड सिल्क आर अ एनिमल फाइबर। देखिए इनमें से कौन से एनिमल फाइबर है और कौन से प्लांट फाइबर है। कॉटन का प्लांट हमने देखा ही है, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, इस प्लांट से हमें फाइबर मिलता है। उसके बाद जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो ऊल, सिल्क एंड हैंड, ये जो है वो एनिमल फाइबर से, कि जो एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, ऊल शिप से मिलता है, सिल्क का जो कपड़ा होता है वो हमें सिल्क वर्म एनिमल से मिलता है, इंसेक्ट से मिलता है। ओके, सो सी दिस पिक्चर, दिस ड्रेस मेड ऑफ कॉटन, दिस इज अ नेचुरल फाइबर। टॉप मेड ऑफ अ हेम, दिस इज अ नेचुरल फाइबर। स्वेटर मेड ऑफ अ ऊल, दिस इज अ नेचुरल फाइबर। साड़ी मेड ऑफ अ सिल्क, दिस इज अ सिल्क साड़ी, दिस इज अ नेचुरल फाइबर। देन नाउ वी विल सी सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर द मैन मेड फाइबर एंड डू नॉट अकर इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, नायलॉन, रेयन, लैक्रा एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। दीज आर प्रिपेयर आर्टिफिशियली एंड प्रोसेसेस वेरियस क्वालिटीज़। और ये जो फाइबर है मैन मेड है, और इसीलिए उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। दे आर वाटर प्रूफ, वो वाटर प्रूफ होता है, स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एक्सेट्रा। और वो जो फाइबर है मैन मेड, वो वाटर प्रूफ होता है, स्ट्रेचेबल होता है, ओके, देन उसके बाद रिंकल फ्री भी होता है। सिंथेटिक फाइबर हैव देयर ड्रॉबैक्स ऑल्सो, सिंथेटिक फाइबर को उसके कुछ खुद के ड्रॉबैक्स भी है। दे डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट एज दे आर वाटर प्रूफ एंड दे कैच फायर इजीली। मतलब देखो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो स्वेट हमारे जो पसीना निकलता है बॉडी से उसको एब्सॉर्ब नहीं करता है, फॉर जैसे कॉटन का प्लांट करता है, कॉटन का कपड़ा करता है, और वो फायर को, आग को इजीली एब्सॉर्ब कर लेता है, आग को भी क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द कल्चर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द क्लॉथ्स वॉर्म बाय हिम और हर। सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज और हर क्लॉथ्स। ओके, मतलब हमें पता होता है कि कौन सा, अगर कोई एक हमारे पास पर्सन आता है और वो किस तरह से कपड़े पहना हुआ होता है, उस तरह से हमें समझ में आता है कि ये पर्सन जॉब वाला है, इसका कल्चर कौन सा है, जॉब वाला है या नहीं है, इस तरह से हम उनका देख सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, ओके।